इम्तियाज की सक्सेस के बाद मारुति इज थिंकिंग अबाउट अ मेकओवर। कंपनी रीब्रांडिंग एक्सरसाइज भी कर सकती है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी मारुति को छोड़ सिर्फ सुजुकी ब्रांड नेम से कार्स उतार सकती है। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता है और उनके मेकओवर के क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ आप कैच कर सकते हैं आवाज ओवरड्राइव पर। पर सबसे पहला स्टेप जो उनका प्रीमियम सेगमेंट में उतरने का है वो है एस क्रॉस के साथ। एस क्रॉस इज अ मच अवेटेड क्रॉसओवर, बट इट्स अ प्रीमियम क्रॉसओवर, तो इसकी कीमत जो है वो बाकी क्रॉसओवर से थोड़ी ज्यादा होने वाली है। अराउंड 10 लाख के आसपास होगी इसकी कीमत। और उसके लॉन्च से पहले हम ले चलते हैं आपको इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर। हेलो, आज हम उस सेगमेंट की बात करने वाले हैं जो इस टाइम इंडिया में सबसे हॉट चल रहा है, क्रॉसओवर और एसयूवी सेगमेंट। छोटे हो या बड़े प्लेयर, सबने इसमें उतरने की तैयारी कर ली है और इसी सेगमेंट में धमाल मचाने वाली है मारुति अपनी एस क्रॉस के साथ। मारुति इसे एक प्रीमियम क्रॉसओवर कार कह रही है। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। सामने से पहली नजर में इसमें मारुति की छाप साफ नजर आती है। मारुति सुजुकी का ट्रेडमार्क एक बोल्ड एस फ्रंट ग्रिल के बीचों बीच है। रैप अराउंड हेडलाइट्स, एलईडी लाइट्स और बॉडी के साइड में दी गई स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइंस इसे काफी बोल्ड लुक देते हैं। ऑफ रोडर का फील देने के लिए बम्पर पर ब्लैक क्लैडिंग है। यह आजकल इस सेगमेंट की ज्यादातर कारों में मिलती ही है। एस क्रॉस में सिल्वर स्किड साइड प्लेट्स हैं जो स्पोर्टी फैक्टर को बढ़ाती हैं। एस क्रॉस की लंबाई 4 मीटर से थोड़ी ज्यादा है और चौड़ाई करीब करीब इको स्पोर्ट और क्रेटा जितनी ही है। हाइट दूसरे कॉम्पिटिटर से कम है, तो ग्राउंड क्लियरेंस और हाइट के हिसाब से ये एसयूवी कम और क्रॉसओवर ज्यादा है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। मारुति ने एस क्रॉस को अंदर से प्रीमियम कार की फील देने की पूरी कोशिश की है और ये काफी अप मार्केट भी लगती है। कई और मॉडर्न फीचर भी हैं, जैसे रियर पार्किंग सेंसर डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होने वाले साइड रियर मिरर। लग्जरी फील के लिए डैशबोर्ड को ब्लैक रखा गया है जिसमें सिल्वर हाईलाइट्स हैं, साथ ही लेदर अपहोल्स्ट्री भी प्रीमियम फील देती है। रेन सेंसिंग ऑटो वाइपर और ऑटो हेडलैम्प भी हैं। कैबिन स्पेस अच्छी खासी है जिससे कंफर्टेबल लेग रूम मिलता है। रियर सीट का बैक 60-40 के रेशियो में स्प्लिट किया गया है जिसे यूटिलिटी के हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। जैसे ही आप एस क्रॉस की ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक कॉकपिट में बैठे हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल यूज किए हैं डैशबोर्ड पर, जिसकी वजह से काफी प्रीमियम और अप मार्केट फीलिंग आती है। ड्राइविंग पोजीशन काफी अच्छी लगती है और टच स्क्रीन, नेविगेशन सिस्टम, रेडियो, ऑडियो सिस्टम, ये सब तो इसमें दिया ही गया है। लीटर वाला DDIS इंजन 118 BHP पावर जनरेट करता है। 100 किलोमीटर की स्पीड एस क्रॉस 11.3 सेकंड में पकड़ लेती है और माइलेज भी अच्छी होने का दावा है। लीटर वाला वर्जन 22.7 किलोमीटर और 1.3 लीटर वाला
23.5 किलोमीटर की एवरेज देगा। मारुति ने एस क्रॉस को सिर्फ 2 डीजल इंजन ऑप्शंस में ही उतारा है और ऑटोमेटिक ड्राइव वर्जन भी नहीं दिया है। बात करें एस क्रॉस की ड्राइव की तो बहुत ही रिस्पॉन्सिव और पावरफुल लगती है। वो इसलिए क्योंकि मारुति ने इसमें DDIS 320 इंजन डाला है, जिसकी वजह से टॉर्क बहुत ज्यादा मिलता है और आप सिटी ड्राइविंग में भी, काफी स्लो ड्राइविंग में भी आपको पावर की कमी महसूस नहीं होती। इस ब्रेक वाले 16 इंच के अलॉय व्हील तो हैं, लेकिन ये देखने में काफी एवरेज लगते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, जो रेनो डस्टर, फोर्ड इको स्पोर्ट या हुंडई की क्रेटा से कम ही है। सिटी और हाईवे ड्राइव के लिए तो ये काफी है, लेकिन ऑफ रोडिंग का मूड है तो एक बार रास्ते का हिसाब जरूर लगा लें। सेफ्टी के लिहाज से इसमें बेसिक फीचर जैसे ड्राइवर और को ड्राइवर एयरबैग ABS मौजूद है। हाँ, एस क्रॉस में फ्रंट के साथ साथ रियर में भी डिस्क ब्रेक है, जो ब्रेकिंग काफी स्मूथ रखते हैं। बट एज वी सेड, बाजार में राइड बहुत स्मूथ नहीं रहने वाली। डस्टर, टेरानो, इको स्पोर्ट तो पहले ही बाजार में मौजूद हैं, और रेस में आगे रहते हुए मारुति की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर ह्युंडई भी अपनी कॉम्पैक्ट SUV क्रेटा 21 जुलाई को लॉन्च कर रही है। फीचर्स तो काफी प्रीमियम है, अब देखते हैं किस तरह का रिस्पांस मिलता है इसे। लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की लिमिटेड एडिशन बाइक डिस्पैच, एंड ट्रस्ट मी इट्स वर्थ लुकिंग एट।